पहले जो है मैं गैस ऑन करके और चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। आज ठंड बहुत है तो मैं इसमें 3 लौंग और 3 काली मिर्च, 2 लौंग का यूज़ कर रही हूँ। जब तक मेरी चाय जो है ये रेडी हो रही है, तब तक जो है हम घोल को रेडी कर लेते हैं। घोल को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ये बेसन ले लिया है। इसमें नमक ऐड करना है मुझे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको अगर तीखा चाहिए तो ज़्यादा डाल दीजिए और अगर कम तीखा चाहिए तो कम। साबुत जीरा है वो डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने ये अजवाइन ली है और इसको ऐसे करके, और इसे भी इसमें मैं मिला लूँगी। 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया। इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए जो है मैं इसका एक बैटर रेडी कर लूँगी। ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। बस हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए। अब हम आलू की जो चिप्स हैं वो बना लेते हैं। आलू के पकौड़े बनाने के लिए ये मैंने इस तरह के आलू ले लिए हैं और जो है मैं इनको पतले पतले स्लाइसेस में काट लूँगी इस तरह से। ये देखिए इसको इस तरीके से बनाना है, मतलब इसकी मोटाई जो है वो इतनी होनी चाहिए, ना इससे पतले ना इससे ज्यादा मोटे। ये देखिए ये मेरे इस तरह से सारे बनकर रेडी हो गए हैं चिप्स। ये मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। बाकी के जो है वो स्लाइसेस मैं बाद में बनाती जाऊंगी, जैसे मुझे बनाती जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग। अब जो है वापस जो है इसको मुझे अच्छी तरह से वापस 1 मिनट के लिए इसे फेंट लेना है इस तरह से, ताकि जो ये पकौड़े जब बन के आए तो एकदम फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल। अब ये मेरा बनकर रेडी हो गया है घोल, तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच जो है वो अमचूर पाउडर को ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पकौड़ों के अंदर। अब ये आलू की जितनी भी चिप्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं और इसको एक बार ऐसे मिला लूंगी। मेरा वो घोल भी रेडी हो गया है। मेरी चाय भी ये देखिए इस बॉयल होने लगी है, तो इसे भी मैं स्लो कर देती हूँ और इसे फटाफट से दूसरे उस पर ट्रांसफ़र करके और मैं कढ़ाई को तलने के लिए अपने पकौड़े उसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इस पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और अच्छा खासा तेल गरम होना चाहिए। जब तक तेल गरम हो रहा है आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। और हमारे यहाँ जयपुर में तो बाहर बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है, तो बस इसीलिए बच्चों ने बोला मम्मी आज जो है कुछ चाय के साथ कुछ पकोड़े वगैरह हो, तो ठंड में मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बना देते हैं। और अगर आपको कभी जयपुर घूमने आना हो तो ठंड का मौसम जो है जयपुर, ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जो नाहरगढ़, जयगढ़ है, आमेर का किला है, वो बहुत अच्छे लगते हैं ठंड के अंदर। आप अगर जयपुर घूमना चाहते हैं तो ठंड में एक बार ज़रूर से यहाँ पर आए। ठीक है, हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं अपने पकौड़े एक एक डाल दूँगी। ये देखिए
तेल जो है वो इतना गर्म होना चाहिए। ये देखिए अब मैंने टर्न कर लेती हूँ। इन्हें अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। ये देखिए सारे के सारे पकौड़े, ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं सारे एकदम मेरे। ये देखो पकौड़े जो हैं वो एकदम रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। दूसरे पकौड़े भी हम तल लेते हैं ऐसे। ये देखिए बिल्कुल देखिए कितनी कचौड़ी की तरह फूले फूले बने हैं ये मेरे पकौड़े। इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। मेरे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं और मेरी चाय जो है वो भी रेडी हो गई है। जो है सरप्राइज होगा, मैं जा रही हूँ बच्चों को सरप्राइज करने के लिए। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।